हाय माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी वीडियोस डेली देख पाएँ। और उसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, उससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लास्ट में वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नो मेकअप मेकअप लुक। जी हाँ, जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो नो मेकअप मेकअप लुक है, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियाँ हैं, तो इसमें हमें एक ग्लोइंग मेकअप लुक क्रिएट करना होता है, जो कि हमारी स्किन को ड्राइनेस फील ना दे, स्किन ड्राई ना लगे, मेकअप केकी ना फील करे, और मेकअप ऐसा हो जो बिल्कुल भी लगे ही नहीं कि हमने अपने चेहरे पर मेकअप किया है, और बहुत ही नेचुरल सा लुक दे हमारे चेहरे। क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लुक क्रिएट करें, हर जगह हमें हैवी मेकअप लुक क्रिएट करने का मन भी नहीं करता है, कभी कभी हमें नो मेकअप मेकअप लुक क्रिएट करने जाने का भी मन करता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये मेकअप लुक लेकर आई हूँ। इस मेकअप के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आ सकते हैं, ग्लोइंग मेकअप आपका होगा, बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक देगा आपके फेस को, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे को ड्राई नहीं करेगा, स्मूद एंड सॉफ्ट एंड सपल स्किन आपकी नज़र आएगी। सो अगर आप ये ग्लोइंग मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं और पार्टी में आप जाना चाहते हैं इस मेकअप लुक के साथ, जिसे देख करके कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने भी अपने चेहरे पे मेकअप अप्लाई किया हुआ है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें इस मेकअप लुक को देखने के लिए। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, देख लेते हैं कैसे इस मेकअप को क्रिएट करना है, लुक को अपने फेस पे कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने वीडियोज़ में बताए हुए हैं। सो चलिए देख लेते हैं। कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले चेहरे को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं वेट वाइप की हेल्प से अपना पूरा चेहरा क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें तो फेस वॉश भी कर सकते हैं, और अपने नेक को भी साथ ही साथ क्लीन करना है, तो सो दैट कि अगर जो भी डस्ट या डर्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर्स हैं तो चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो मैं सबसे पहले अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी आप चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, जिससे कि अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोडक्ट अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। अगर आप जस्ट अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो मेकअप है वो पैची नज़र आएगा और डार्क भी हो जाएगा, तो अगर आप डार्क नहीं करना चाहते हैं मेकअप, तो मॉइस्चराइज़र लगाने के कुछ देर बाद ही अप्लाई करें, कुछ सेकेंड तक वेट करें। अब मैं यहाँ पर लिप ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ, आप अपने लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए वैसलीन का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लैक्मे सीसी क्रीम के साथ अपना ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, ग्लॉसी जो ग्लोइंग मेकअप लुक है, तो आप भी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम के साथ करें, क्योंकि फाउंडेशन लगाने पर मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आएगा, तो हमें लाइट मेकअप नो मेकअप मेकअप लुक क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ सीसी क्रीम का ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अच्छे से अपने चेहरे और नेक पर ब्लेंड कर लूँगी। इसका भी एक सीक्रेट टिप्स मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने चेहरे को मेकअप को ब्लेंड कर रहे हैं, तो आप इसको हल्का सा गीला करके एक्सेस वाटर रिमूव करके फिर इसे अपने फेस पे ब्लेंड करें, तो ये बहुत ही अच्छे से आपके प्रोडक्ट को चेहरे पे ब्लेंड कर देता है, केकी नज़र नहीं आएगा आपका मेकअप, तो आप अगली बार ज़रूर ट्राई करें। अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को डिफ़ाइन कर लूँगी, क्योंकि नो मेकअप मेकअप लुक में आईब्रोज डिफ़ाइन कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा लुक आएगा हमारी आईब्रोज का, और ये अनइवन सी नज़र नहीं आएगी, तो ये आप कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बहुत ही लाइट कलर ले रही हूँ, ब्राउन कलर, क्योंकि मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो मैं जस्ट इसको एक लुक दूँगी। मैं यहाँ पे लाइट कलर के आई शेडो से अपनी जो आईलेड एरिया है उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ, जिससे कि एक नेचुरल सा लुक आएगा। ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर अप्लाई करूँगी, जो कि बहुत नेचुरल सा लगेगा, लगेगा नहीं कि हमने आई शेडो अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, मैं कितना लाइट कलर ले रही हूँ, जस्ट अपनी स्किन से मैच करता हुआ, और एक नेचुरल सा नो मेकअप मेकअप लुक के लिए ये सबसे बेस्ट होगा। अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी हल्का सा इसको अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि आईज़ में एक परफेक्ट लुक आ सके। यहाँ पे मैंने दूसरी आई में भी कर लिया है अप्लाई, नाउ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक आया। अब मैं अपनी ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, जिससे कि एक अच्छा लुक आ जाएगा हमारी आईज़ का, और आईज़ जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज़ को हाईलाइट कर लिया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मस्कारा अप्लाई करूँगी मैं। आईलाइनर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये नो मेकअप मेकअप लुक है। अब हल्का सा मैं ब्लश लेकर के अपने चीक एरिया पे ब्लश कर लूँगी, हल्का सा नोज़ एरिया को भी ब्लश कर लूँगी और दोनों चीक्स को ब्लश करूँगी, सो दैट कि विंटर्स में एक हल्का सा गुलाबी सा चीक्स पे कलर आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा और नो मेकअप लुक के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो आप भी अप्लाई ज़रूर करें। अब यहाँ पे मैं अपने नोज़ एरिया को हाईलाइट कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा ग्लोइंग फेस नज़र आना चाहिए, विंटर्स हैं। अपने अपर लिप एरिया को करूँगी, चिन एरिया को करूँगी और चीक बोन एरिया पे भी हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है। और यहाँ पे मैंने मेकअप करने में बहुत हार्ड वर्क किया है गाइज, तो प्लीज़ मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ बट जितना मुझे आता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने फोरहेड एरिया को भी हाईलाइट कर लिया। अब मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई की थी वो थोड़ी ग्लॉसी थी तो इसलिए मैं स्पंज की हेल्प से इसको एक मैट फिनिश दे रही हूँ जो कि बहुत अच्छा लगेगा, आप भी ट्राई ज़रूर करना। और नाउ मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, दैट्स इट। आपने कितनी आसानी से आप ये नो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आ सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।